गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज़ अनन्या एंड यू आर वॉचिंग इंटीरियर माता। आज हम लोग सीखने वाले हैं कैसे अपने फ़ोन में आप 3D डिज़ाइन कर सकते हैं। नाउ मैं एक सैम्पल रूम लूँगी और उसको डिज़ाइन करूँगी। वैसे आप अपना जो रूम है, मैं जो ऐप के बारे में बताऊँगी उसको यूज़ करके आपका जो रूम है, एम्प्टी रूम है, उसको भी आप 3D डिज़ाइन कर सकते हैं। आई एम श्योर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, और अगर आप डिज़ाइनर नहीं भी है, बस फ़ोन में जाके जैसे हम गेम खेलते हैं ना, वैसे भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डिज़ाइनिंग की जो नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। एंड ये ऐप आपको बहुत हेल्प होने वाली है। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। आज जिस ऐप का हम लोग यूज़ करेंगे उसका नाम है होम स्टाइलर। ऐप को ओपन करते ही आपको एक ऐसी इंटरफेस मिलेगी। हम लोग सिलेक्ट करेंगे क्रिएट न्यू डिज़ाइन। तीन ऑप्शन मिलती है, टेक अ फोटो, आपके गैलरी से आप पिक्चर ले सकते हैं, एंड एग्जिस्टिंग एम्प्टी रूम्स। हम लोग यहाँ पे एग्जिस्टिंग एम्प्टी रूम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे एग्जिस्टिंग उन्होंने ऑप्शन रूम्स के ऑप्शंस उन्होंने दिए हुए हैं। तो आज हम लोग चलिए एक बेडरूम डिज़ाइन करते हैं, देखते हैं अकॉर्डिंग टू द बेडरूम कौन सा ऑप्शन मिलता है। हो सकता है आपके पास आपकी फ्लैट जो है आप डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो उसकी पिक्चर भी आप इसमें एडिट करके डिज़ाइन कर सकते हैं। चलिए ये आ गया हमारा बेडरूम, इसको रोटेट कर लेते हैं। पहले वॉल्स कलर करना और फ्लोरिंग पे अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो आई विल सिलेक्ट दिस छोटा सा रोलर ऑप्शन, एंड आप देख सकते हैं बहुत सारे कलर्स का ऑप्शन है। एंड एज मैं ऑलवेज बताती हूँ कि बेडरूम में येलो कलर बहुत अच्छा होता है, वास्तु के लिए भी अच्छा होता है, एंड नेचुरली भी येलो कलर जो है हैप्पीनेस का एक कलर है। तो येलो में चलते हैं एंड लेट्स फाइंड आउट अ मास्टर येलो कलर। इवन आई लाइक दिस ग्रीन ऑल्सो, बट नो, लेट्स गो टू दिस येलो कलर। आई लाइक द 08x6, इसको सिलेक्ट करेंगे। जब भी सिलेक्ट करेंगे आपके ऐसी एक इंटरफेस आ जाएगी, बस आपको जिस वॉल में कलर करना है वहाँ पे जाके वो आपकी उंगलियों से क्लिक करना है एंड द वॉल विल बी कलर्ड। सेम प्रोसेस से हम लोग फ्लोरिंग का भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ये वुडन फ्लोरिंग डाल रही हूँ एंड आई रियली लाइक दिस वन। बस आपको सिलेक्ट करना है एंड आपकी फ्लोरिंग इज गुड टू गो। दिस अ वेरी गुड ऐप फॉर फ्रेशर इंटीरियर डिज़ाइनर्स ऑल्सो। आपको क्विक अगर कुछ डिज़ाइन करना है, दिखाना है क्लाइंट को, तो आप दिखा सकते हैं। चलिए बेडरूम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बेड ढूंढते हैं। अभी फ्लोर डार्क है और वॉल्स लाइट है, तो मैं कुछ इन बिटवीन कलर चूज़ करना चाहूँगी। आई लाइक दिस मिडिल बेड, आई लाइक दिस बेड। तो चलिए इसको प्लेस करके देखती हूँ। यस, आप इसको जस्ट इसके जो कंट्रोल है एक उंगलियों से आप मूव कीजिए। अगर आपको रोटेट करना है तो दो उंगलियों से आपको रोटेट करवाना होगा। एक उंगली को फिक्स रखिए और बस रोटेट कर लीजिए। आई लाइक द पोजीशन ऑफ द बेड। कर्टन ऑप्शन में भी आपको बहुत सारे कर्टन्स के ऑप्शन मिलेंगे। मैं ये जो कर्टन है इसको सिलेक्ट करने वाली हूँ। और देखिए जब भी मैं कुछ भी चीज़ें यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ, सी द प्रोसेस, आपको एक ही ऑप्शन मिलता है। मतलब जितने भी इमेजेस दिया जाता है आपको ऑप्शन एक ही मिलेंगे। बस आई विल प्लेस इट, मूव करके आपको बस प्लेस करना है। उन्होंने आइडियल साइज़ दिया हुआ है आपको, आप इसको रिस्केल कर सकते हैं। मैं इसको डुप्लीकेट प्रोडक्ट करूँगी क्योंकि मुझे तीन कर्टन्स चाहिए। इट्स वेरी ईजी। आप अगर इंटीरियर डिज़ाइनर नहीं भी है, बस आप फेसबुक करना चाहते हैं, नॉर्मल गेमिंग जानते हैं, तो भी आप इस ऐप को अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ,
इंटरनेट कनेक्शन जो है वो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। कर्ट इज प्लेस हो गया, इट्स लुकिंग रियली नाइस। अभी आ जाते हैं एक्सेसरीज में। एक्सेसरीज में भी आपको हज़ारों ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे आप। चलिए देखते हैं इस रूम में हम लोग कुछ इफेक्ट अगर डाल सकते हैं एक्स्ट्रा। ओके, आई लाइक दिस ब्लैक शूज, लेट्स। आई फॉरगॉट टू प्लेस अ एरिया रग और कारपेट। लेट मी चूज दिस कारपेट बिकॉज पीछे येलो कलर है और फ्लोर डार्क है, तो कंपेरेटिवली लाइट टोन की मैं यहाँ पे एक कारपेट ले रही हूँ। अब देख सकते हैं कारपेट डालने के बाद उसकी जो बेड की जो लेग्स है वो नीचे चली गई थी, तो आई एम जस्ट प्लेसिंग इट राइटली। ना आप इस आप जो बेड है उसकी या फिर कोई भी प्रोडक्ट हो, इसकी जो सील है अगर आप ब्रेक करेंगे तो आप इसको रिसाइज कर सकेंगे आपके कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से। अगेन, दिस इज नॉट अ टेक्निकल ऐप, आप विजुअली आप दिखा सकते हैं कि कैसा लगता है। दिस इज नॉट अ टेक्निकल वे टू डू इट, ओनली द ऑटोकैड इज वन सिंगल ऐप जो टेक्निकली बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। आई एम प्लेसिंग द मिरर ऑन द बेड साइड, क्योंकि मिरर छोड़ के तो एक रूम बन ही नहीं सकता है। ड्रेसिंग यूनिट है, स्टैंडिंग है, नेचुरल लाइट आएगी और यहाँ पे जो कोई भी खड़ा होकर रेडी होना चाहेगा उसको भी लाइट की सफिशियंट लाइट नेचुरल लाइट मिल जाएगी। आते हैं बेड के पीछे कुछ पेंटिंग्स या फिर फोटोग्राफ्स के लिए। आई एम लुकिंग फॉर सम पोर्ट्रेट, आई लाइक दिस पिक्चर, सो आई एम गोना प्लेस हिट हेयर। देखिए ऑलरेडी बेडरूम जो है एक फील ऑलरेडी आने लगी है। एम्प्टी रूम से हम लोग एक बेडरूम की तरफ जा रहे हैं, अभी भी बहुत चीज़ें बाकी है। लेट्स प्लेस अ टेबल लैम्प। सीलिंग लाइट भी आप प्लेस कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं सीलिंग लाइट नहीं दिखाऊंगी, प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आपको किसी और वीडियो में इसको कैसे करते हैं डिटेल्स में दिखा दूंगी। सो आई एम प्लेसिंग दिस टेबल लैम्प। मैं साइज़ छोटी बड़ी कर सकती हूँ, तो मैं इसके टेबल के हिसाब से मैंने इसको छोटा करके मैंने प्लेस कर दिया। लेट्स मेक इट लिटिल बिगर, सॉरी मेरे हाथ फसल गया। ओके, नाउ इट इज़ गुड, ऊपर थोड़ा सा ऊपर। ओके, नाइस राइट। चलिए मुझे रिकॉर्डिंग बार बार चेक करना पड़ रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम ये हुआ था कि बहुत बार मैंने 3-4 बार रिकॉर्डिंग पहले किया था, पूरा डिज़ाइन किया था, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था। तो दिस टाइम आई एम बीइंग रियली केयरफुल। नाउ इट्स टाइम टू प्लेस द ड्रेसर। आई लाइक दिस ड्रेसर क्योंकि इसकी जो कलर है ये बेड के साथ मैच कर रही है, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू रिसाइज इट। ओके यस, एंड इसको मैं वॉल से लगा दूंगी। एंड योर ड्रेसर कम टीवी यूनिट इज देयर। चलिए आते हैं पिलोज में। ये आर्ट एंड डेकोर ऑप्शंस में आपको मिल जाएगा। आई एम प्लेसिंग दिस क्यूट पिलो। आप पिलो के ऑप्शंस आपको इतने सारे मिलेंगे, आप अपने पसंदीदा कोई भी पिलो यहाँ से चूज कर सकते हैं। मैं येलो वाला लूँगी क्योंकि ऑब्वियसली द येलो टोन इज द थीम, सो आई एम गोना प्लेस दिस पिलो। अब साइज इसको बड़ा छोटा आप मूव करके किस साइड में रख सकते हैं, आपके पसंदीदा जगह पर ये रख सकते हैं। आई एम गोइंग टू कीप दिस पिलो ऑल्सो, क्योंकि कोई बैठना चाहे तो यहाँ पे बैठ सकता है। तो आई एम जस्ट गिव इट यू नो नेचुरल लुक, मैंने ये पिलो रखा है नॉट बिकॉज ऑफ द थीम। वासेस में बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन मैं आज तो फिलहाल वासेस में नहीं जाऊंगी, वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए कुछ प्लान्स रखते हैं। आई लाइक दिस वन, लेट्स कीप इट ऑन द टेबल। साइज तो छोटा करना ही पड़ेगा। ओके, लेट्स प्लेस इट ऑन द टेबल। यस, नाइस राइट। डुप्लीकेट कर लेती हूँ और एक फ्रेंच विंडो के सामने मैं ये जो सीटिंग है इसके ऊपर मैं एक पेड़ रखूँगी।
The moment you place the green, it looks really nice, as you can see. टीवी ना हो तो मज़ा नहीं आएगा. चलिए एक टीवी प्लेस करते हैं. आप देख सकते हैं टीवी में भी इवन दे हैव गिवन कर्व टीवी ऑप्शन ऑल्सो. तो हम लोग एक छोटा सा टीवी लेते हैं 42 इंच, क्योंकि बस मुझे लगा कि बड़ा हो जाएगा. तो टीवी को आपको उन्होंने वो वॉल के हिसाब से ही टीवी आएगा, बस आपको प्लेस करना है. यू कैन चूज द साइज ऑल्सो, आपके हिसाब से आप साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं. देखिए ये इफेक्ट ऑप्शन में आप आएंगे ना तो ये IES ऑप्शन आएगा. मैं दिखाती हूँ. आप सिलेक्ट करेंगे, सी आपको एक जो लाइट की इफेक्ट है वो मिल जाएगी एंड इट्स लुक नेचुरल. जब भी आप कोई लाइट प्लेस करेंगे तो डेफिनेटली IES ऑप्शन में जाके इफेक्ट ऑप्शन में जाके IES ऑप्शन दीजिए एंड यू आर गुड टू गो. चलिए इस ऑप्शन में आ जाते हैं. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन. अगर आप किसी और जगह पे भी 3D बना रहे हैं एंड यू जस्ट वॉन्ट टू पुट सम ह्यूमन फिगर, आप फोन में ऐप लीजिए और यहाँ पे आप कुछ प्रीवियसली ह्यूमन फिगर ऑप्शन दिए हुए हैं, इसको आप प्लेस करिए. मैं इनको प्लेस करूँगी. मुझे लग रहा है ये जो बेड है, ये जो रूम है, उनका हो सकता है. सो आई एम गोइंग टू प्लेस सोफ़ी हियर एंड शी इज़ सिटिंग ओवर द विंडो. इट लुक्स प्रीटी नेचुरल. सोफ़ी को कम्फर्टेबल करने के लिए उसके पीछे ये, एंड आई लाइक दिस इफेक्ट रियली. इट लुक्स नेचुरल. जब भी आप ह्यूमन कोई फिगर डालोगे ना तो इमीडिएटली इट लुक्स मोर नेचुरल. ये जो प्लांट है इस कॉर्नर में मैं प्लेस करने वाली हूँ. थोड़ा सा ग्रीन इफेक्ट देना ज़रूरी होता है. सो हियर इट इज. इसको डुप्लीकेट कर लेती हूँ. ओके, डिलीट कर दीजिए. चलिए इसको डिलीट कर देते हैं, गलती हो गया था. ये इसको डुप्लीकेट करके मैं प्लेस करने वाली हूँ विंडो साइड में. एंड यस, आप जस्ट जैसे कंफर्टेबल है साइज वैसे रखिए. आई थिंक द रूम लुक्स प्रिटी नेचुरल. नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज, आप राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है जिसको आप सिलेक्ट करेंगे तो ये फुल स्क्रीन ऑप्शन आ जाएगा. आते ही आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो ये सेव आप डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो ये जो है आपके फ़ोन में डायरेक्टली सेव हो जाएगा. दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन व्हाट आई हैव नोटिस्ड. एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप एक दो चेंजेस करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अगर आपको क्लाइंट को भी दिखाना है या फिर दो तीन ऑप्शन आपको ट्राई करना है, दिस इज़ द इजीएस्ट वे, राइट? यू कैन कंपेयर एंड सी व्हाट व्हिच वन यू लाइक द मोस्ट एंड नेक्स्ट टाइम से आप उसी को सिलेक्ट करेंगे. सो यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है. चलिए मैं आपको दिखाती हूँ. मैंने और भी डिज़ाइन बनाया था जो प्रीवियसली रिकॉर्ड नहीं हुआ था पूरा एंड द फाइल केम करप्टेड. ये मैंने बनाया था जो मैं पहले रिकॉर्ड करी थी. दिस वॉज द लिविंग रूम आई ट्राइड. इट केम आउट रियली नाइस. लाइटिंग भी काफ़ी आप देख सकते हैं, लेकिन ये तो रिकॉर्ड नहीं हुआ तो आई एम डूइंग दिस बेडरूम. अगर आपको चाहिए, अगर आपको सीखना है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए. मैं आपको डिटेल्स में इसकी भी एक ट्रायल वीडियो मैं बना सकती हूँ. वैसे प्रोसेस आप ट्राई कीजिए, इजी है, आप खुद भी कर सकते हैं. सो दिस इज़ द फाइनल लुक गाइस. आई होप यू लाइक इट. एंड अगर आपको सीखना है ज़्यादा तो प्रैक्टिस कीजिए. अगर आपको कुछ भी जानना है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए